हाँ, जिन राज्यों में खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव की बेला पर यह मंथन का दौर लगातार चल रहा है, यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर कांग्रेस में मैराथन मंथन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बाबर जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ वन टू वन चर्चा कि उन्होंने और कर रहे हैं लगातार। चुनाव समिति के सदस्यों से भी रायशुमारी की जा रही है। टिकट वितरण को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सभी से चर्चा कर रहे हैं। काम करने का सबका अपना अपना तरीका होता है अलग। इसके अलावा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्ष, प्रभारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए, केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। चर्चा हो रही है सबसे, सबका अपना तरीका होता है काम करने का। हम सबसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा अभी सब ये सबसे चर्चा करके हम बनाएंगे बैठे। दो तीन बार हारे नेताओं को टिकट नहीं देंगे, ऐसी कोई बात है कि जो निर्दलीय नहीं? सबकी चर्चा हो रही है। देखिए, जो भी कोई क्राइटेरिया बनता है वो क्राइटेरिया बनता है समूह के सुझाव से। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं जहां बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, ये भी हमने नोट कर लिया है। दो बार, तीन बार, चार बार इस तरह का भी बात आई है। तो ये एक बार सारा हम जितने भी सुझाव हैं उनको इकट्ठा करने के बाद फिर इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जो क्राइटेरिया है वो है विनेबिलिटी, जिताऊ, जो भी जिताऊ होगा उसके ऊपर विचार करा जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए इस विषय पर। दिनेश, मैराथन बैठकें होंगी आज रविवार का दिन, कांग्रेस जो है पूरे दिन ये बैठकें करने वाली है, जिस तरह की जानकारी हम सुबह से ही अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अभी क्या कुछ हो रहा है और कब तक चलेंगी ये बैठकें? आज पूरा कार्यक्रम जानना चाहते हैं कांग्रेस का बैठकों से संबंधित आपसे। देखिए, बिल्कुल, आज जो जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक एक बार फिर से हो रही है, बैठक हो रही है, वन टू वन चर्चा की जा रही है। आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं उसके प्रभारी और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और उनसे चर्चा की जा रही है। कल देर रात तक भी चर्चा हुई, करीब 11-12 बजे तक वन टू वन चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी कार्यालय में जो पूरे प्रदेश से जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। वही उनके साथ चर्चा के साथ ही सबसे बड़ा जो फोकस जो कांग्रेस का है वो जिताऊ कैंडिडेट पे है कि जिताऊ कैंडिडेट कैसे चयन किया जाए। साफ तौर पर जो भंवर जितेंद्र सिंह का कहना है, जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी के निर्देश है कि महिला, युवा और अलग अलग जातियों के लोगों को मौका दिया जाए इस बार, और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको प्राथमिकता दी जाए। साफ तौर पर जो जिला अध्यक्ष है वो एक लिफाफे में प्रत्याशी का नाम लेकर आए थे और जो कांग्रेस संगठन है उसने जो अपना सर्वे किया था उसका मिलान किया जा रहा है। अगर उससे इतर कोई नाम सामने आ रहा है तो उस पर वन टू वन चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो आज चुनाव समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ भी सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह की मीटिंग है और उसके द्वारा चर्चा की जाएगी कि कैसी क्या रणनीति हो चुनाव में और जो चुनाव में जो रणनीति है कांग्रेस की उसके तहत किस तरह काम किया जाए, क्या कैसे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस का झंडा और परचम फहराया जाए। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।